हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था का 18वां स्थापना दिवस टाउन हॉल हमीरपुर में मनाया गया। ये कार्यक्रम ब्लॉक लेवल से लेकर जिला, राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर मनाया गया। ये जो कार्यक्रम मनाया जा रहा है, ये हमारी जो संस्था है हिमालयन महिला एवं जन कल्याण संस्था, इसके 18 साल पूरे हो रहे हैं। ब्लॉक लेवल से लेके, डिस्ट्रिक्ट लेवल से लेके, आज राज्य स्तरीय और नेशनल लेवल पे जो है एक हम कार्यक्रम कर रहे हैं। और इस कार्यक्रम में हमने आज तक 18 सालों में जितना भी कार्य किया, महिलाओं को जागरूक किया, स्वरोजगार के अवसर उन्हें प्रदान किए, वो सारे आज इस कार्यक्रम में रहेंगे। जैसे हमारे जगह जगह से इसमें प्रदर्शनियां लगाई गई है, जैसे स्किल डेवलपमेंट को लेके है, टेडी बियर्स को लेके है, बैग मेकिंग को लेके है, अदर हमारा नौ से लेके आज इस कार्यक्रम में मेरे पूरे प्रदेश से डिस्ट्रिक्ट महिला सुपरवाइजर, दिशा वर्कर और राज्य प्रभारी सभी इस कार्यक्रम में आज शामिल है। और साथ में इसमें हमारे कुछ भूतपूर्व सैनिक जो सेना से सेनानिवृत्त होकर जो आके सामाजिक कार्यों में हमारा सहयोग कर रहे हैं, उन्हें भी आज हम यहाँ पे सम्मानित कर रहे हैं। संस्था महिलाओं के उत्थान के लिए छोटे छोटे ग्रामीण स्तर पर छोटे छोटे स्वरोजगार देती है, जैसे स्किल डेवलपमेंट को लेकर हो गया, छोटे छोटे सिलाई के केंद्र खोलती है, जैसे बैग मेकिंग का काम सिखाया जाता है इनको, अच्छी तकनीक के बीज जो है वो इन्हें उपलब्ध करवा के इन्हें आज की डेट में जो हमारे BPL परिवार से ज़्यादा लोग जुड़ रहे हैं उस धारणा को ख़त्म करने के लिए इन्हें एक छोटे छोटे खेती करके जो है इन्हें जागरूक किया जा रहा है कि आप जो है अपना जो गुजर बसर है वो आप लोग इस तरह से करो, ना कि उस तरफ जाओ जहाँ पे एक भीड़ आज लगी हुई है कि इन्हें BPL में डालो और खेती बाड़ी करना आजकल लोगों ने छोड़ दिया। आज वैसे तो महिलाओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, लेकिन जो हमारे इस संस्थान से जो अपना स्वरोजगार जो पा रही है महिलाएं, वैसे तो वो 30,000 तक है, लेकिन जो खेती के लिए है वो 5,500 है, जो अपना छोटा छोटा स्वरोजगार जो है वो चला रही है। बाकी जो अदर महिलाएं हैं वो अदर कार्यों में जो है वो अपना सहयोग दे रही है। कोई भी अभी लाभ नहीं मिला है, और जब तक सरकारी योजनाएं आती है तो आते आते ही वो सिमट जाती है, संस्थाओं तक वो पहुँच नहीं पाती है। लेकिन हमने ये जो भी जितना भी हम कर रहे हैं ये संस्था से ही कर रहे हैं, और इसमें हमें बहुत सारे लोगों का सहयोग मिलता रहता है। फाइनेंस में इसमें जितना मैं कहूँगी, सबसे ज़्यादा सहयोग इसमें मेरे हस्बैंड का रहा, जिन्होंने फाइनेंस के सिस्टम पे मुझे बहुत ज़्यादा मजबूत किया और जब भी ज़रूरत पड़ी तब भी हमें सहयोग किया। सिटी चैनल के लिए हमीरपुर से सुमित राठौर की रिपोर्ट।